हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर और आप सबों को साल के अंतिम दिन और जो बीते हुए समय हम लोगों ने एक साथ बिताए उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और आने वाले नए साल के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड तो कहते हैं ना फ्रेंड, अंत भला तो सब भला। तो आज साल का अंतिम दिन है और मैं मंदिर गई थी फ्रेंड्स, तो वहाँ पे कुछ पौधे निकाल के रखे हुए थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या आप ये पौधों को लगाएंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये सारे पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले जा सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए फ्रेंड, मैं तो एकदम खुश हो गई सुनकर और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि मुझे आज साल के अंतिम दिन में इतने सुंदर पौधे मिल रहे हैं। और ये रेड एग्लीमा के पौधे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसका मेरे पास है एक पौधा जो कि बहुत छोटा है अभी, और भी था एग्लीमा का रेड वाला, तो मेरे ख़राब हो गए, और ग्रीन वाले भी हैं मेरे पास। तो ये देखिए, मुझे तो मेरी तो सारी मुरादें ही पूरी हो गई फ्रेंड्स। और आज तो मैं नहीं लगा पाऊँगी इसे, कल लगाऊँगी फ्रेंड्स, नया साल में कल 1 जनवरी को मैं इसे लगाऊँगी। और काफ़ी बड़ा पौधा है, उन्होंने इस तरह से मुझे एक प्लास्टिक में बांध कर दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसे मैं कल लगा दूँगी और जब लग जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और एक पौधा दिया है उन्होंने, इसको फेलोडेंड्रफ बोलते हैं फ्रेंड्स। हालांकि धूप में रखे रखे इसके सारे पौधे जो हैं वो मुरझा गए और पीले पड़ गए हैं, लेकिन इसके जड़ हैं। पहले भी मैं लगाई थी इसको, तो उसमें ग्रोथ इसका बहुत स्लो होता है फ्रेंड्स। और एक है छोटा सा जिसको मैं पानी में रख दी हूँ डीप करके, ये देखिए फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे 4 पौधे दिए हैं और कल मैं इन्हें लगाऊंगी। अरे बहुत सुंदर पौधा होता है फ्रेंड्स, जिस तरह से मनी प्लांट होते हैं ना, ये देखिए, जिस तरह से मनी प्लांट के पौधे होते हैं उसी तरह से ये भी होते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या मॉक्स स्टिक पे भी इसे चढ़ा सकते हैं आप। ये मनी प्लांट की तरह ही चढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट होते हैं, ये देखिए, आपको रूट दिख रहे होंगे, बहुत सारे रूट होते हैं मनी प्लांट की तरह ही। और उन्होंने तो कहा कि ये बहुत ईजी लग जाता है, हालांकि मैं पहले भी लगाई हूँ लेकिन उसका बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, लग तो गया है। और ये देखिए, इस डब्बे में मैं 1 सप्ताह पहले सॉन्ग ऑफ इंडिया का कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, तो इसमें अभी रूट तो नहीं निकला है, मैं इसे भी पानी में रखी हूँ, देखती हूँ निकलता है या नहीं। अभी 1 ही सप्ताह हुआ है फ्रेंड्स इसे रखे हुए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये अंतिम साल का जो मुझे गिफ्ट मिला है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में शांति बना रहे और आप सभी जो फ्रेंड हैं वो भी, और जो यूट्यूब देखते हैं या जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए या जो जुड़े हुए नहीं हैं, उन सब के लिए मैं नए साल में यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें और पेड़ पौधे लगाएं और उनसे प्यार करें। तो ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।